हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गाइस जिस हिसाब से 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरे देश के अंदर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हैं, चाहे वो BA हैं, MA हैं या फिर जो भी है, मतलब ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है या फिर मास्टर्स इन एजुकेशन है, कुछ भी है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको प्रमोट कर दिया गया था, तो उनके जो प्रैक्टिकल अभी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सभी यूनिवर्सिटी को, सभी कॉलेज को उनको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराने होंगे एज़ पर द UGC गाइडलाइन। तो गाइज इन चीज़ों में बहुत सारे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के आसपास, कॉलेज के आसपास रहते थे, तो वो अपने होम टाउन में या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बहुत दूर हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने, कॉलेजेस ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल की सुविधा की है, जो बच्चे घर बैठ के अपने प्रैक्टिकल को दे सकते हैं। तो गाइज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को बहुत आसान किया है, वैसे ही टेक्नोलॉजी कभी कभार हमारे काम को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो गाइज जो बच्चे खास तौर से अपने ऑनलाइन प्रैक्टिकल देने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें आप प्रैक्टिकल में जो है करें, ताकि ये चीज़ करने से आपको प्रैक्टिकल के लिए कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज आप किसी भी फील्ड के, आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिकल का सेगमेंट ऑप्ट किया है, तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा, वो कोई भी आपका जो सोशल मीडिया का ऐप है, चाहे गूगल ऐप है आपका या फिर आपका जूम ऐप है, उसको आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करें आप, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल में मेमोरी या स्पेस वगैरह नहीं होता, जिससे वो जो ऐप है वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो आप अपने जूम ऐप को, गूगल मीटिंग को, सबको, जिस भी ऐप के थ्रू यूनिवर्सिटी आपका, कॉलेज आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करा रहा है, उसको आप चेक करो कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि प्रैक्टिकल के दिन आपको अननेसेसरी बॉदरेशन ना हो। दूसरा एक बात गाइज, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट वाईफाई पे टिकी हुई हैं, और हमारे देश के अंदर जो इंटरनेट और वाईफाई की जो स्पीड है, वो बहुत देशों में बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हैं। तो गाइज आपने अगर ऑनलाइन प्रैक्टिकल का जो मोड सेलेक्ट किया है, तो उन चीज़ों के लेकर आपका जो वाईफाई या इंटरनेट का जो कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देते समय आपके नेटवर्क में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपके और एग्जामिनर के बीच में कोई, मतलब, ऐसी कमी ना हो जिससे आपके प्रैक्टिकल में कोई इम्पैक्ट होने के चांसेस हो, ठीक है गाइज। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप अपना जो प्रैक्टिकल है अपने एग्जामिनर के सामने ऑनलाइन जूम ऐप पे, गूगल मीटिंग पे, कहीं भी देंगे, तो सबसे पहले आपको जो एग्जामिनर है वो आपके नाम से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर है उससे रिकग्नाइज करता है। तो प्रैक्टिकल देने से पहले सबसे पहले आपका जो एग्ज़ामिनर वो आपसे आपका रोल नंबर पूछेगा, तो ध्यान से अपना जो रोल नंबर है उसको रख के अपने पास रखें, और रोल नंबर को एक या दो बार रिपीट करें, ताकि वो आपका रोल नंबर जो है वो बिल्कुल सही लिखा जाए, जिससे चल के आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट में अच्छी तरह से शो हो पाए, ताकि बाद में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको ना हो। चौथा पॉइंट है क्या, इस प्रैक्टिकल जब आप देंगे, तो कम से कम आप 5 से 10 मिनट पहले अपने ऐप को या अपने ऐप पर लॉगिन हो जाएं, ताकि बाद में कोई अननेसेसरी जो प्रॉब्लम है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका आपको पहले ही पता लग जाए। ऐसा नहीं कि मान लो आपका 9:30 बजे या 10 बजे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, आप 5 मिनट पहले या 1 मिनट पहले अपने ऐप पर लॉगिन करो, कम से कम 5 से 10 या 15 मिनट पहले उसको चेक करके देख लो और उस पर लॉगिन हो जाओ, ताकि जैसे ही आपका नंबर आए जिस लिंक पर आप प्रैक्टिकल दोगे, वहाँ चल के आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अच्छा गाइज, उसके पास एक और पॉइंट है, जो भी एग्जामिनर आपसे कुछ पूछेगा आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, मान लें आपके 4 प्रैक्टिकल, आपके 2 प्रैक्टिकल हैं, तो आप उसके नोट्स बना के अपने पास भी रख सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें कि भाई एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, जो कुछ आपको बताए ना, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन जो आपको आते हैं आपके प्रैक्टिकल जब तक नहीं होते, आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करो, ताकि प्रैक्टिकल के टाइम जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो बूस्ट है, वो एकदम बरकरार रहे, वो एकदम एक्टिवेट रहे। और गाइज मोस्ट ऑफ जो आपका प्रैक्टिकल में जो आपसे पूछा जाएगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई चीज़ पूछ ली जाए। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है, उस पर थोड़ा सा आपको अच्छा खासा ध्यान देना है, ताकि बाद में चल के आपके प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो।
तो गाइज 4 से 5 टिप्स मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चों का मैं एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ और ख़ुद भी मैंने ऑनलाइन काफ़ी एक्सपीरियंस करें। तो प्रैक्टिकल से पहले ये सावधानी आप जरूर रखें, ताकि जब फाइनल जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो उसके दिन आपके माइंड में कोई टेंशन या प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता दिया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने इस चैनल पर डाल सके। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना, खुश रहना। थैंक यू सो मच।